हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और वेलकम बैक इन बिंदु द्विवेदी लाइफ स्टाइल व्लॉग में। और बस सुबह का रूटीन स्टार्ट हो गया है, जैसा कि हाउसवाइफ के साथ हमेशा रहता है, और बस मेरा भी रूटीन स्टार्ट हो गया है। बस आपके साथ किया है मैंने थोड़ा सा हेलो है, और बस मैं अपनी व्लॉगिंग यहीं से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कहते हैं हाउसवाइफ का जो डेली रूटीन वो तो होता ही होता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंट हो जाता है। तो आज तो फिलहाल मुझे धोने हैं वॉशिंग, यानी मुझे कपड़े धोने हैं। तो कपड़े धोने का, क्योंकि ये जो दो या तीन दिन में एक बार तो बहुत सारे ढेर हो ही जाते हैं, बेडशीट वगैरह, कवर शीट वगैरह, तो वो मुझे धोने हैं। तो वो मैं जाऊँगी भी छत पे कपड़े धोऊंगी, और साथ ही साथ किचन में जो है खाना भी चढ़ा दूंगी, क्योंकि एक साथ कई काम जब करती हैं हाउस वाइफ तो ही कम्प्लीट होता है, नहीं तो फिर हमें सुबह से लेकर शाम तक भी हमारा काम कम्प्लीट ना हो। तो बस चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना काम, और आप लोग बस व्लॉग को देखते रहिए, और देखते देखते एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये जो है लाइक बटन मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि इतने लोग मुझे लाइक करते हैं। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी व्लॉगिंग। ये देखिए मेरा जो है एक तरह से वॉशिंग कह सकते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स का रूम कह सकते हैं, या फिर स्टोर रूम कह सकते हैं। और ये स्टोर रूम में मेरे देखिए इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं, और आधे में मशीन में डाल चुकी हूँ और मशीन में धुल रहे हैं, और ये कुछ पैंट है और कवर शीट्स है, ये भी मैं धुलूंगी। और यहाँ पर थोड़ा सा ये रूम मैंने बनाया था, और यहाँ देखिए बेड भी है, मैं फैन चला के यहीं पर कभी जो है लगता है कि ज्यादा कपड़े हो गए बैठ जाती हूँ और भी काम कर लेती हूँ जो काम होते हैं। कभी कभी मैं यहाँ पर आपको बताया कपड़े धोती रहती हूँ, साथ में वीडियो एडिटिंग यहीं पर बैठ के कर लेती हूँ, तो मतलब ये रूम भी मेरे काफी काम आता है। पसीना पसीने काम करके देखिए काफी चूरा है पसीना, क्योंकि छत पे ना कपड़े धोना, वहां इतनी गर्मी होती, चाहे फैन चला लो चाहे कुछ भी, गर्मी बहुत है। फिलहाल हमारा हो गया है थोड़ा सा ब्रेक, वो जो होता है नूडल्स ब्रेक, यहाँ पर नूडल्स ब्रेक और यहाँ बन रहे हैं नूडल्स, है ना, क्योंकि ये जो है ना लाडो हमारी भी देखिए तब से बेचारी काम कर करके होमवर्क कर करके परेशान है, तो ये कर रही है, तो थोड़ा सा ना बनता है थोड़ा सा बीच में नूडल्स मैगी चाउमीन का ब्रेक बन जाता है। काम जो है वो कपड़े धोने का काम खत्म हो गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, वहां पर आगे आप देखेंगे तो पूरा ही ये यहाँ पर भी कपड़े फैले हुए हैं। और मेरे जो है इस फ्लोर ये यहाँ पर इस बालकनी में ये भी चारों तरफ कपड़े ही कपड़े हैं, यहाँ भी मैंने साफ सफाई कर रखी है, तो काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है ये देखिए, है ना। तो बेसिकली जो है वो कपड़ों का तो काम खत्म हो गया है, और ये मेरा लॉन्ड्री रूम है, लॉन्ड्री रूम है, इसी में मेरी ये जो मशीन है ना, ये मशीन रखी हुई है, इसी में एक मैंने यहाँ पर बेड डाल रखा है, और ये देखिए पीछे पेंटिंग जो है ना, ये सारी मेरी पेंटिंग बनाई है, जो भी एक्स्ट्रा पेंटिंग है ना वो सारी यहाँ पर रहती है। तो और यहीं पर लगा रखी है मैंने पिलो, मतलब अगर थक जाए तो यहाँ आराम भी कर सकते हैं आराम से। तो ये जो है मेरा लॉन्ड्री रूम है, और आज मैंने लॉन्ड्री रूम की पूरी क्लीनिंग की है, इसकी सेटिंग की है, और ये कई बार सेटिंग और क्लीनिंग होती रहती है इसकी, क्योंकि जो है हर रूम में एक एक रूम देखकर कभी ना कभी उसकी जो है स्पेशल क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। कि ये जो एक भाई साहब है, इनका कोई पर्स जो है वो गिर गया था, मुझे नहीं पता पर्स गिरा था, मुझे फिलहाल ये जो पीछे
थोड़ी दूर पे हमारे यहाँ खेत है, उस खेत में ये मुझे ई श्रम कार्ड मिला है। और ये भाई साहब कई दिन से परेशान थे, पर मैंने इनका एक नंबर देखा, इस पे नंबर लिखा हुआ था, तो मैंने इन्हें कॉल किया कि आपका कार्ड मेरे पास है, मैं 2 दिन से खुद परेशान हूँ इनको वापस करने के लिए। तो फिलहाल इन्होंने अब जाके मतलब मेरा कॉल पिक किया, क्योंकि काफ़ी दिन से कॉल पिक नहीं कर रहे थे, और अब मैं जा रही हूँ इनको, क्योंकि ये मतलब कहते हैं ई श्रम कार्ड जो है किसी न किसी की ज़रूरतमंद, किसी की ज़रूरत का होता है, तो फिलहाल उसकी ज़रूरत तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए। तो फिलहाल मैं जाती हूँ कार्ड दे के आती हूँ। विश्वा तुम वेट करो, ये कार्ड दे के आते हैं अंकल को। हाँ यहाँ पर ये पीछे ही खेत का एरिया है, और उसी खेत के एरिया में कहीं भाई साहब खड़े हैं, देखते हैं कहाँ पर है। फिलहाल भाई साहब मिल गए, आ गए दौड़ दौड़ के। फिलहाल भाई साहब मिल गए हैं और देखने जा रहे हैं कि उनका कहीं पर्स भी वहाँ ना पड़ा हो, ताकि उनको जो है थोड़ा फ़ायदा हो जाए, क्योंकि कह रहे थे पैसे और डीएल वगैरह है काफ़ी नुकसान हो गया है। हमें तो यही मिला था, हमने वापस कर दिया है, क्योंकि कहते हैं ना कि जितनी आप भलाई कर सको कर लो, क्योंकि आप किसी का कुछ ले करके जाओगे ना तो कभी तरक्की नहीं करोगे। मेरा तो यही सिद्धांत है, और इसीलिए मैं जो है हमेशा इसी सिद्धांत पर चलती हूँ। कर दिया आपने, बहुत अच्छा। ये भी तुम्हारा ही है, देख लो। अब क्या हो, चतुर्वेदी क्या हो, चतुर्वेदी हो गया। बस कार्ड है, लगे हैं हम सब ढूंढने में, ताकि भाई साहब की थोड़ी मदद हो जाए। फिलहाल कहा ये क्या है भाई साहब, ये देखो कुछ है क्या आपका, आपके ही पर्स से निकला होगा कुछ ना कुछ। हाँ ये मेरा ही है, ये मैं ऑटो में काम कराया था। ये देखिए भाई साहब का पर्स जो है किसी ने निकाल करके, और ये देखिए अभी इनको डीएल मिला है, और हम लोग यहाँ खोज रहे, वो देखिए पैन कार्ड है, बिल्कुल चमत्कार है, पैन कार्ड मिल गया भाई साहब। और देख लो आप, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, देखो देखो ढूंढो, यही होगा एटीएम का, तो हो भी सकता है भाई। कूड़े उड़े में देखो, ये कूड़े उड़े में होगा। हाँ तो सोचिए, देखिए देखिए कूड़े में देखिए, कहीं इधर ही कहीं होगा, पता नहीं यार। लोग लोगों की बहुत बहुत गंदी है ना भैया, तो एसबीआई का है, कोटक महिंद्रा का है। हमारा एसबीआई का गिरा था भाई साहब, 24,000 रुपए निकले थे क्रेडिट कार्ड में से, तब से वो दर्द हमको 2 महीने पहले हुआ था, वो दर्द महसूस है आज भी, हमें दर्द होता है। तो फिलहाल भाई साहब का पेटीएम डीएल और ई श्रम कार्ड ये सब चीजें मिल गई हैं, बस एक क्या नहीं मिल रहा है, एटीएम, 2 एटीएम जो है वो गायब है, कोटक का एसबीआई का। उस पर नाम लिखा हुआ है, कोटक महिंद्रा पे नाम लिखा हुआ है। हाँ भैया जिनको कोटक तो लिखा हुआ है। मैं वीलॉग में अपील करती हूँ कि अगर गोला डेयरी वासी जितने भी देखते हैं मेरे वीलॉग को, अगर एसबीआई का और कोटक का कहीं भी कार्ड मिले, कोई भी एटीएम कार्ड मिले तो जरूर दे दें, क्योंकि भाई साहब ये ऑटो चलाते हैं बहुत, और वो काफी परेशान हो रहे हैं। तो मेरी विनती है सभी से कि आप लोग को अगर मिले तो प्लीज जरूर दे दीजिएगा इनको। खुशी मिलती है उनको, काफ़ी कुछ मिल गया, मतलब कि उनको ई श्रम कार्ड, पैन कार्ड, डीएल, और बस 2 एटीएम नहीं मिले उनके। तो फिलहाल कहते हैं ना किसी की मदद करने पर जो खुशी और संतोष मिलता है ना, वो रियल में कहीं नहीं मिलता है। तो आप लोगों ने देखा कि हमारे एक ई श्रम कार्ड जो मिला था, जो हमने उनको देना मतलब कर देने के लिए प्रयास किया, और उस ई श्रम कार्ड जो हम जहाँ पर मिला था, हम उसी लोकेशन पे उनको ले गए, और लेने के बाद जब हमने सब कूड़े में ढूंढना शुरू किया, तो उनका पैन कार्ड, उनका एटीएम कार्ड नहीं मिला उनका। फिलहाल पैन कार्ड, डीएल, ये चीज़ें मिल गई, और उनके कुछ पेपर्स थे जो मतलब गाड़ी के पेपर्स थे वो भी थे, वहाँ पड़े थे, वो भी मिल गए उनको। कई सारे बिल थे जो उनको मिल गए, बस 2 एटीएम कार्ड नहीं मिले उनको, एक कोटक महिंद्रा का
और एक SBI का कार्ड नहीं मिला उनको। फिलहाल जो है कूड़े में हमने जितने मेरे हस्बैंड ने और उन्होंने तीनों लोग ने मिलकर ढूंढा, तो फिलहाल कहते उन्होंने कहा कि मैडम आज तो आपने जो कूड़े में भी मेरा मतलब कुबेर का खजाना है समझ लीजिए मेरे मिल गया। क्योंकि कमर्शियल लाइसेंस एक ऑटो ड्राइवर है, जो एक गरीब आदमी ऑटो ड्राइवर है जिसका जीवन जो है ऑटो से ही चलता है, अगर उसका कमर्शियल लाइसेंस खो जाए, पैन कार्ड खो जाए, तो फिर इन चीज़ों को बनवाएगा कितना टाइम लगेगा, और फिर उसका एक बजट होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए तो ये अलग से खर्चा आ गया। तो फिलहाल ये जो कुबेर का खजाना जो उन्हें मिला और उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो देखते ही बनती थी, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब किसी की आप मदद करें तो जो संतुष्टि आपको मिलती है ना, वो आपको बिरयानी और पनीर की सब्जी में भी नहीं मिल सकती है। क्योंकि रियल में ये जो संतुष्टि है ना, ये बहुत आत्मसंतुष्टि जो है बहुत दिल को मतलब बहुत भाती है, और ऐसा करना भी चाहिए। क्योंकि हमारा भी कुछ महीने पहले जो है वो SBI क्रेडिट कार्ड गिरा था और उसमें से 24,000 रुपये किसी ने निकाल लिए थे, तो वो दुख हमें पता है कि क्या होता है। तो फिलहाल भाई साहब को मिला और ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें हमें उन्होंने इस्तेमाल करके किसी का भला किया, तो ये हमारे लिए बहुत ही कहते हैं कि खुशी की बात है। यहाँ मैं काट रही हूँ भिंडी और ये है डिनर के लिए, और आज रियल में बहुत सारा काम हो गया था, तो अभी मैं बहुत सारा अभी तो काम तो बहुत सारा है पर इतना सारा कवर हम नहीं कर सकते व्लॉग में, तो चलिए इसी के साथ ही हम व्लॉग को एंड कर देते हैं और नेक्स्ट व्लॉग में फिर से मिलेंगे इसी मुस्कुराहट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।